हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज से क्वेश्चन नंबर 5.4। आइए स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ शॉर्ट बार मैग्नेट ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू 0.32 जूल पर टेस्ला इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.15 टेस्ला। इफ द बार इज फ्री टू रोटेट इन द प्लेन ऑफ द फील्ड, विच ओरिएंटेशन वुड कोरस्पोंड टू इट्स फर्स्ट पार्ट इज स्टेबल एंड सेकेंड पार्ट इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। वॉट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मैग्नेट इन ईच केस। देखिए स्टूडेंट्स, हमें एक बार मैग्नेट दिया हुआ है, उसका मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट है 0.32 और उसको प्लेस किया गया है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी मैग्नीट्यूड है 0.15 टेस्ला, और ये बार मैग्नेट फ्री है रोटेट करने के लिए फील्ड के प्लेन में। हमसे ये पूछा जा रहा है कि किस ओरिएंटेशन में ये बार मैग्नेट स्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा और किस ओरिएंटेशन में, मतलब किस पोजीशन में ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। और साथ ही साथ हमें दोनों ही केसेस में, स्टेबल में भी और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम के केस में भी, बार मैग्नेट की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करके बतानी है। पहले हम इसको लिस्ट अप करेंगे। मैं इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी कि स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता क्या है, ठीक है? तो आप लास्ट तक इस वीडियो को देखें सो दैट आपको स्टेबल और अनस्टेबल का जो भी डाउट हो वो क्लियर हो जाए। तो अभी स्टार्ट करते हैं। वी आर गिवन दैट एम हमें दिया हुआ है 0.32, बी दिया हुआ है 0.15, दोनों ही एसआई सिस्टम में है यूनिट्स हमें, तो इसलिए कन्वर्जन का कोई केस नहीं है। फर्स्ट पार्ट है स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल इक्विलिब्रियम में तब कहलाता है स्टूडेंट बार मैग्नेट जब उसका डाइपोल मोमेंट पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है? और पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड का मतलब होता है थीटा कितना है दोनों के बीच में, 0 डिग्री। ये तो हो गया ओरिएंटेशन का आंसर। अभी साथ ही साथ मैंने पोटेंशियल एनर्जी भी कैलकुलेट कर दी है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है -mb cos थीटा, ठीक है? एम की वैल्यू प्लेस कर दी, बी की वैल्यू प्लेस कर दी, थीटा 0 रखा क्योंकि एम कैसा है इस केस में, पैरेलल टू बी। तो ये वैल्यू प्लेस करने के बाद रिजल्ट आ गया -0.048 जूल। अभी बी पार्ट को करते हैं। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कोई भी बार मैग्नेट तब कहलाएगा जब उसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंटी पैरेलल होगा मैग्नेटिक फील्ड के। कैसा होगा? एंटी पैरेलल, मतलब थीटा एम और बी के बीच में कितना एंगल होगा, 180 डिग्री, ठीक है? एंटी पैरेलल का मतलब ऐसा होगा कि ये बार मैग्नेट है, इसमें ये नॉर्थ ये साउथ, ठीक है? हमेशा एम मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है तो ये इसके एंटी पैरेलल ही रखा है। थीटा कितना हो गया इनके बीच में, ऐसा, ये कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है? तो इस केस में ये कैसा कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। ये तो ओरिएंटेशन का आंसर हो गया। इसके बाद हमसे पूछा है पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी भी हम इस केस में कैलकुलेट कर देंगे विद द सेम फॉर्मूला -mb cos 180। cos 180 -1 होता है, बाकी वैल्यूज हमने दोनों प्लेस कर दी, ये आ गया +0.048 जूल। बस डिफरेंस ये है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव आएगी। अब हम आते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम पर। तो पहले इसको समझना है आपको, जैसे ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट पर कोई टॉर्क नहीं लग रहा क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड मैंने ये डायरेक्शन में माना, मान लीजिए, ठीक है? अब मैं इसको डिस्प्लेस करूंगी विद सम एंगल। अगर मेरे डिस्प्लेसमेंट के बाद ये बार मैग्नेट वापस अपनी पुरानी पोजीशन को गेन करे, ठीक है, तो ये कहलाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम में। और अगर मैंने इसको डिस्प्लेस किया तो ये जिस तरफ मैंने इसको डिस्प्लेस किया उसी डायरेक्शन में अगर घूम जाए, मतलब टॉर्क एक्सपीरियंस कर जाए, तो ये कैसा कहलाएगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में। फिर से देखिए, ये बार मैग्नेट है, इसको अगर हम डिस्प्लेस करें और इस पर, अब डिस्प्लेस करके छोड़ दिया, अब ये टॉर्क एक्सपीरियंस करे किसकी वजह से, इस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, और ये वापस घूमकर इसी पोजीशन में आ जाए, तो ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में,
ठीक है। और अगर हम डिस्प्लेस करके इसको जब छोड़ें तो ये उसी डायरेक्शन में घूम जाए जिसमें हमने इसको डिस्प्लेस किया था, तो ये क्या कहलाएगा? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, जिसमें ये पहले प्लेस था। ठीक है, तो इसको मैं आपको शो करती हूं कैसे। देखिए, ये मैंने बार मैग्नेट शो किया। बार मैग्नेट में मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन होती है साउथ से नॉर्थ की तरफ। ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए स्टेबल इक्विलिब्रियम है। पता करते हैं कैसे। देखिए, आप ये समझिए कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो बी है वो हमेशा कहीं भी अगर हम बनाते हैं तो बार मैग्नेट के बाहर होगा फील्ड। मतलब इधर हम मान सकते हैं कोई नॉर्थ पोल है और इधर मान सकते हैं कोई साउथ पोल है, ताकि हम फोर्स निकाल सकें पोल्स पर। तो मान लीजिए मैंने इसको थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ये डिस्प्लेसमेंट शो किया, और उसके बाद छोड़ दिया इसको। ठीक है, तो ये टॉर्क किधर एक्सपीरियंस करेगा उसको पता करते हैं। देखिए, इस नॉर्थ को ये मैग्नेटिक फील्ड, जब भी नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड में होगा वो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और साउथ को मान लीजिए यहाँ इमेजिनरी साउथ है तो ये साउथ इसको रिपेल करेगा या ये नॉर्थ इसको अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, तो ये फोर्स लगेंगे इन दोनों पोल्स पर। ये ऐसे है जैसे ये हैंडल बना और इसके ऊपर एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, ये वाला। ठीक है, एक फोर्स इधर है और एक फोर्स इधर है, तो ये किधर घूमेगा? अगर ये हैंडल है तो ये वापस घूमेगा, क्योंकि टॉर्क किधर एक्सपीरियंस करेगा? इस डायरेक्शन में। ठीक है, आप समझ भी पा रहे होंगे आई होप। एक फोर्स इस पर ऐसे लग रहा है, इस पर ऐसे फोर्स लग रहा है, ये असल में जेड डायरेक्शन में है, तो आप इसको वाई में ना सोचें। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। तो टॉर्क एक्सपीरियंस किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में। ये पहले किस तरफ रखा था? ऐसे ही रखा था, और हमने डिस्प्लेस किया तो इसने अपने आप ही टॉर्क एक्सपीरियंस किया इस डायरेक्शन में, और ये घूमकर वापस इसी डायरेक्शन में आना चाहेगा। इस वजह से ये इक्विलिब्रियम कैसा कहलाएगा? स्टेबल इक्विलिब्रियम। कौन सी पोजिशन? ये वाली, जिससे हमने हिलाया और ये वापस इसी में आने की टेंडेंसी शो करता है। ठीक है, ऐसे ही यहां पर देखिए, ये मैंने मैग्नेट इससे उल्टा रख दिया है, आप देख पा रहे हैं। एम वेक्टर किस तरफ हो गया? साउथ से नॉर्थ की तरफ, और बी वैसा का वैसा है। अब हम इसको डिस्प्लेस करते हैं। जब हम डिस्प्लेस करेंगे तो वैसे ही बी के लिए समझिए कि इधर कोई नॉर्थ पोल है और इधर कोई एक्सटर्नल साउथ पोल है, तो वो इस साउथ को क्या करेगा? रिपेल करेगा, और इस नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा। ये नॉर्थ इस नॉर्थ को रिपेल करेगा और साउथ को अट्रैक्ट करेगा। तो ये एक हैंडल बना जिसके ऊपर एक फोर्स ऐसा लग रहा है, एक फोर्स ऐसा लग रहा है, तो ये कैसे घूमेगा? ये ऐसे घूमेगा। ठीक है, तो जिस तरफ हमने डिस्प्लेस किया, हमने किस तरफ डिस्प्लेस किया था? इस तरफ, और ये घूमा भी किसी तरफ, इसी तरफ कंटिन्यू कर गया अपनी मोशन को, तो ये वाला इक्विलिब्रियम दोबारा रीगेन नहीं करेगा इसको, तो इसलिए ये कौन सा वाला इक्विलिब्रियम कहलाएगा? अनस्टेबल। मतलब ये घूमकर वापस ऐसी पोजीशन ले लेगा जो कि स्टेबल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। इस वीडियो को आप एक बार फिर से देख सकते हैं समझने के लिए, और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए आप ये सोचिए इमेजिनरी कोई नॉर्थ और साउथ प्लेस्ड है। ठीक है, तो अब से आप याद रखेंगे कि एम वेक्टर पैरेलल होगा बी वेक्टर के, उस वक्त स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और एम वेक्टर बी वेक्टर के एंटी पैरेलल होगा तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा, और बाकी का सोल्यूशन आप इसमें से देख सकते हैं। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया है। थैंक यू सो मच।